नमस्कार, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 9, और आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये सेशन हम लेकर आए हैं अपने 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, और टॉपिक है सर्कल्स पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम बात कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे प्रीवियस सेशंस के लिए। और आपको मिलवा देते हैं हम अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हैं मिसेस दीना प्रकाश, यू आर सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। वेरी वार्म वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून ऑल माय लर्नर्स, थैंक यू रेणु जी। मैम, इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, कुछ बातें हम अपने सभी बच्चों को बता दें कि बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आए, सर्कल्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या कहीं पर आप अटक गए हैं, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप बेझिझक हमसे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। तो इन दोनों माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो मैम, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम्स, हम इस सेशन को क्विकली स्टार्ट करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने प्रीवियस सेशंस के बारे में, जिसमें आपने सर्कल्स के बारे में बताया मैम। हम शुरू के कुछ दिनों में, दैट इज फर्स्ट टू क्लासेस में, सर्कल्स के कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का मैं एक बार और रिकैपिचुलेशन करती हूँ। इसमें ये कहा, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और सर्कल एक चैप्टर है तो बहुत छोटा सा चीज इसमें, बट इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण बच्चों आगे आपको ये इंफॉर्मेशन के थ्रू आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये सर्कल्स का चैप्टर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसका मैं एक बार और आपको रिवाइज करवाती हूँ। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। आर्क किसको बोलते हैं? पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द आर्क। तो ये सर्कल के दो आर्क होते हैं, दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज नोन एज द मेजर आर्क। ये जो आर्क है, दिस इज द मेजर आर्क। तो आर्क सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द माइनर आर्क। तो ये आर्क जो है, किस तरह से एंगल सबटेंड करता है? एट द सेंटर वी जॉइन द एंड पॉइंट्स टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो इस एंगल को बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी, विच इज एंगल ए ओ बी। सो इस एंगल का जो मेजर है, ये एंगल, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस पार्ट ऑफ द सर्कल, हमने इस आर्क को कंसिडर किया है, रिमेनिंग पार्ट इज द ग्रीन पार्ट दैट यू कैन सी। तो इस पार्ट पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, विल फाइंड दैट द मेजर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल जो इसका डबल है सेंट्रल एंगल। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थ्योरम। और सेकेंडली, इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दिस, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, एंगल इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स angle subtended by the semicircular arc. Semicircular arc किसको बोलते हैं? Half of the circle. So इस पूरे arc का angle subtended जो बनेगा, वो ये बनेगा. And if you observe this carefully, you'll find that ये जो है the arc बना है, ये line segment जो बना है, that is the diameter of the circle. अब वो जो diameter है, it will always subtend 180 degree, and hence इन दोनों से करेस्पॉन्डिंग, दैट इज ए सी करेस्पॉन्ड करता हुआ जो एंगल बनेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट पे, ए क्यू सी, द मेजर ऑफ दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। एंड थर्ड वन इज, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑन एनी अदर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द फोर पॉइंट्स आर सेड टू बी ऑन द सर्कल, दे लाई ऑन अ सर्कल। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। That is, अगर हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल का एंगल देखा हमने, that is, ये एक सर्कल लिया मैंने, एक just a minute, I make a, this is a circle, right. और ये सर्कल के हमने कोई एक आर्क ले लिया हमने, this is the arc of a circle, और ये जो आर्क है, ये आर्क
एक एंगल सबटेंड करता है इन इट्स ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये जो एंगल है, और एनी पॉइंट आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी, ये आर्क को छोड़ के ऑल्टरनेट सेगमेंट पे पी आर क्यू जो पॉइंट्स है, तो वी फाइंड दैट द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और अगर ऐसा है तो दे लाई दैट इज आपको एक क्वाड्रिलैटरल जो बनेगा, क्वाड्रिलैटरल जो बन रहा है ए पी क्यू बी, जो क्वाड्रिलैटरल बना है ऑन द सर्कल, और ये सर्कल क्वाड्रिलैटरल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल बोलो, या द क्वाड्रिलैटरल हुज वर्टाइसेस आर ऑन द सर्कल, ऐसे बोलो। और इसका भी एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री, अगर आपने दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स को ऐड किया है सर्कल क्वाड्रिलैटरल के, इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के दो एंगल्स को ऐड किया है, तो द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स आपको दिख रहा है, द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, ये एंगल्स और द अदर पेयर दोनों पेयर्स का मेजर जो है हमेशा 180 रहेगा। सो दीज वर द इंफॉर्मेशन दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लासेस, अब उसको यूज करते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वेयर वी विल बी अप्लाइंग दीज फॉर्मूला, दैट इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये क्वाड्रिलैटरल है ए, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, अब क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस तो दिख रहा है इट इज ऑन द सर्कल, अब ये ए सी और बी डी क्या है, दे आर द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अब इन्होंने कहा है कि ए सी इज द डायामीटर, ए सी जो है एक डायामीटर है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव इफ ए सी इज डायामीटर, द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इज एंगल सबटेंडेड बाय द, अभी जो किया था एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, दैट इज एंगल ए डी सी, इसका मेजर विल बी 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए डी सी, इसका मेजर विल बी 90 डिग्री, ऑल्सो द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, ठीक है, द मेजर ऑफ दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन हमें डायमीटर के थ्रू मिला। अच्छा अब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव, आगे ना आंसर अपने पास, एंगल ए डी सी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, दोनों का मेजर 90 डिग्री हो जाएगा, दे आर इक्वल इन लेंथ, so we have the measures of this, that is each angle is 90 degree, they happen to be 90 degree, so won't they be a rectangle, wo prove karna tha hame, theek hai, ab dusra question ye hai, prove that agar ek cyclic quadrilateral hai, cyclic parallelogram hai, there is a cyclic parallelogram, अब ये parallelogram जो है cyclic है, cyclic means हम इसके vertices, that is एक circle है जो vertex A B C D से pass होता है, that's the information that you have, that's a vertex the A B C D से pass हो रहा है, then it cannot be just a parallelogram, वो एक rectangle बन जाता है, rectangle बन जाता means opposite angles जो है each angles, अभी जो किया जैसे वैसे same question है, each angles measure will be 90 degree. इसके लिए भी ABCD is a parallelogram and it's a cyclic parallelogram. दोनों के अलग अलग properties हैं. Cyclic का property है कि opposite angles को add करके 180 degree आया है. And parallelogram का properties है कि opposite angles are equal. So हमारे पास BAD और ADC दोनों equal है. दोनों का addition 180 degree है. So each का measure क्या हो गया? 90 degree हो गया. अभी 98 दोनों 90 डिग्री हो गया, तो रेस्ट सेम जस्टिफिकेशन आप इन दोनों के लिए भी दे सकते हैं, तो मेजर ऑफ ईच एंगल बिकम्स 90 डिग्री, इसके कारण ये पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टैंगल, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी. ए सी एक हाइपोटेन्यूज है, ए बी सी और ए डी सी जो है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है. दिस राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स उनके वर्टेक्स 90 डिग्री. आपको प्रूव करना है एंगल सी ए डी और सी बी डी इक्वल है. सी ए डी सॉरी दिस एंगल सी ए डी और सी बी सी ए डी एंड सी नो दिस इज रॉन्ग. एक मिनट जस्ट अ मिनट लेट मी टेक चेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. एक मिनट That seems to be wrong. It is CBD, CAD and CBD, CAD and CBD. Fine. It's CBD, CBD, CBD means हमे it's correct. ये जो है this is correct. हमे join करना पड़ेगा CBD. ये वाला हमे इसको join करना पड़ेगा. बी और डी को ज्वाइन करते हुए तो विच एंगल आर वी ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल. व्हाई इज इट जस्ट अ मिनट ये एंगल है. सो वी आर आस्क्ड टू प्रूव ये दोनों मेजर. व्हाट इज हैपनिंग क्या हो गया. एक मिनट ये राइट क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है. एक ये दोनों एंगल्स इक्वल ब्रोकन. अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एबीसी एडीसी आर टू राइट एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज. कॉमन हाइपोटेन्यूज का मतलब द एंगल एबीडी जो है वो 90 डिग्री है. ABD, ABC 90 degree है. Angle ABC is 90 degree. So what information do we have? This AC is nothing but the diameter of the circle. Clear दिख रहा है स्क्रीन में? कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? So you know? नहीं, ठीक दिख रहा है मैम. You can please continue, हाँ. So this is AC is the diameter. So that means AC जो बना वो diameter circle का बना. Likewise AD का जो measure भी है, ADC का भी measure 90 degree है. इसके कारण AC that means both angles, angle ABC and angle ADC, they are equal in measure with the same chord AC. So what information do we have? That is A B, D, C lie on a circle. एक सर्कल में रहेगा. So therefore, isn't it AB, ABCD a cyclic quadrilateral? Is a cyclic quadrilateral. ये एक cyclic quadrilateral बना. तो now अब हमें CAD angle देखना है. CAD, CAD, that is this angle. और सी बी डी. अब आप ध्यान से देखिए, सी डी सी डी दैट इज सी डी इज द कॉमन आर्म. एक आर्म है ये. दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल एट द सर्कल ऑन द सेम साइड. ए एंड बी दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी डी. सी डी के दो साइड्स है. एक साइड है इस तरह, दिस इज नोन एज माइनर एंड दिस इज द मेजर पार्ट. So B and A happens to be on the same side. So what is that saying? अभी हमने ये जो लिखा है A B C and A D C, the measures are equal. They are formed by the same line segment AC. तो जो theorem अभी किया था कि they lie on the same circle. Hence these two angles measure will also be equal. This implies angle C A D and angle C B D are equal because angles in the same segment. They are angles in the same segment. Okay, is this clear? Yes, ma'am.
नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं विच हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस विच आर वी आर गेटिंग द आंसर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द थियोरम्स दैट वी हैव स्टडीड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल as its diameter. Then prove that the third side lies on the point of intersection of the two sides. That is, अभी आपने सर्कल दो बनाए हमने. ये दोनों सर्कल्स के जो है इसमें एक ट्राइंगल बना रहे हैं. We are making this triangle ABC such that AB is the diameter of this circle, side of the circle. And AC is the diameter for the other circle, which is a smaller circle. इसमें क्लियर दिख रहा है, it's a smaller circle. So what we have to prove is, अगर आपने जो point that is BC बनाया है हमने, we find that the BC line has the same point of that is intersection. दोनों circle का जो point of intersection P है, it lies on the third side BC. ये हमें prove करना है. So how will you be proving? देखिए मैंने रिजल्ट लिखा है APB एंड APC दे आर इक्वल इन मेजर्स बिकॉज दे हैपन टू बी दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सो द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन इज दैट इज अ सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री सो द दोनों के मेजर्स सेम होने के कारण वी हैव रिटन इट एज 90 डिग्री नाउ व्हेन द टू आर एडेड हमने इन दोनों को ऐड कर दिया APB और APC को ऐड कर दिया तो मेजर तो दोनों को मिला के क्या मेजर हो जाएगा 180 डिग्री सो हमें क्या मिलेगा BPC के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है BPC का मेजर जो है 180 होने के कारण इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो P इज वेयर दिस इंप्लाइज P लाइज ऑन BC एंड वेयर इज P P इज अ पॉइंट P is on the two circles intersection. Two circles ka intersection. So we have proved that the third side will contain the point of intersection of the two sides. So dekhiye poori hue theorems use kar rahe hain hum and we are proving different questions, finding the answers to the different questions. Fine. Now we move on to the next question. We move on to the next question. Now, AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle. CD is a chord of radius equal to the radius of the circle. CD ka jo length hai. मैम मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे पास चार मिनट का और समय शेष है इस सत्र के लिए मैम. We have only 4 minutes left, ma'am. Fine, that's enough. क्वेश्चन तो हो जाएंगे विद दिस टू क्वेश्चन दिस टू ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस आर इक्वल सीडी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू ओसी दैट इज इट विल बिकम अ इक्विलैटरल ट्रायंगल सो द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी सीओडी द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री क्योंकि इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अब क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एईबी दैट इज हमें इस का मेजर चाहिए तो आप आइडेंटिफाई करिए ये एंगल किस पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है ये तो मुझे दिख रहा है कि CEB के जस्ट पार्ट में है ध्यान से देखेंगे तो यू फाइंड दैट CEB कंटेन्स दिस एंगल और उस CEB में वन मेजर इज 90 डिग्री दैट इज देखो ये एंगल ACE जो है दिस C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सो वोट इट्स मेजर बी 90 डिग्री ACB एंगल ACB मेजर्स 90 डिग्री बिकॉज AB इज डायमीटर Fine. अब डायमीटर होने के कारण इज दिस देयरफॉर एंगल बी सी ई का मेजर भी 90 डिग्री हो अब हमारे पास इन ट्राइंगल ई सी बी में एक एंगल 90 डिग्री मिल गया एक एंगल निकालना है अब लुक एट दिस एंगल वेरी केयरफुली सीई सी बी डी का एंगल सी बी डी का मेजर क्या होगा इज इंट इट हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी देखिए एंड पॉइंट सी एन डी एंड पॉइंट सी ऑन डी बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल ओ इज द सेंटर So what we have is measure is 30 degree. So iska measure hoke hamare paas 30 degree. Ye 30 degree hua, ye 90 degree hua. So obviously, what is the measure of this angle? Therefore, the measure of angle AEB is nothing but 60 degree. Fine. So we have this question.
These are all very, very important questions. Now we have the next question, that is, if non-parallel sides of a trapezium are equal. Now, ye dono side hai trapezium ke equal. You have A, B, C, D. So, iske ye dono sides parallel hai and this is given equal. So, you have to prove that it is going to be a cyclic. Cyclic means, hame iske dono ko, dono measures jo aayenge hai, that is 180 degree. Ab aap kaise isko prove karenge? I'll do one thing. I'll draw perpendicular. Dekhi. I'll draw perpendicular and then what do I do is, I'll just name this P and Q. Now let's consider triangle APB and triangle D, that is DQC. What do we have in these two triangles? AB is equal to CD, that is given. Angle APB is equal to angle ADQC, that is because we have drawn perpendicular and hence it becomes 90 degree. And AP is equal to DQ. So AP is equal to DQ, all three gives us this information, that is triangle APB is congruent to triangle DQC, by which congruence rule? It is RHS. One angle is 90 degree, the other one is hypotenuse, and one of the side is equal. So what we have from here, what is the conclusion? The two triangles are equal. So what we get from here, this is angle ABP will be equal to angle DCQ, that is corresponding parts of the congruent triangle. The measure of these two will be equal. अब आप देखिए ए बी इज जस्ट अ मिनट हो गया वी आर ऑन जस्ट टुवर्ड्स द एंड यस ए बी ए डी ए डी जो है पैरेलल टू बी सी है सो दिस सेज दैट मेजर ऑफ एंगल ये पूरा एंगल ये वाला एंगल बी ए डी एंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी विल बी 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री अब हमने ए बी पी के जगह पे ए बी पी के जगह पे अगर मैंने रिप्लेस किया है डी सी क्यू व्हाट डू आई गेट एंगल ई ए डी इज रिप्लेस एंगल बाय डी सी क्यू दैट इज डी सी बी लिख सकती हूँ मैं एक्सटेंशन 180 डिग्री सो व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन बी ए डी डी सी बी दैट इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स is 180 degrees. So what will this coordinate? Ma'am, बहुत ही brief में जानना चाहेंगे ma'am. Is cyclic coordinate. Ma'am, we are running very short of time. Okay. We have proved the result. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your informative session. हम बात कर रहे थे circles 5 पे. बीना ma'am, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू एवरीवन और बच्चों अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम का हम लेकर आएंगे जो कि सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन किस तरह से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं आपको बताया जाएगा हमारे एक्सपर्ट द्वारा आप कहीं मजे बने रहिए ए विद्या चैनल पर अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत नमस्कार